नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज संथाल प्रगना में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर संपूर्ण संथाल प्रगना से। दुमका में तीन विभिन्न घटनाओं में एक महिला एवं छात्र समेत तीन लोगों ने की आत्महत्या। दुमका के दासपाड़ा में पिछले 24 घंटों में जहां एक बीए के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, वहीं शिकारीपाड़ा में एक रेल कर्मी और मसलिया में 27 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को शहर के रसिकपुर मोहल्ले में विवेक कुमार नामक एक युवक का शव फांसी से लटका मिला। वह बीए का छात्र था और दुमका में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वह मूल रूप से शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। यह जानकारी देते हुए नगर थाना प्रभारी देवव्रत पोदार ने बताया कि पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, परंतु मृतक के पिता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। मकर संक्रांति पर तातलोई गर्म जलकुंड में डुबकी लगाएंगे श्रद्धालु। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जामा प्रखंड के तातलोई में मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गर्म जलकुंड में डुबकी लगाएंगे। इसको लेकर यहां कोविड-19 के संक्रमण के बावजूद पारंपरिक मेला लगने की तैयारी अंतिम चरण में है। उपायुक्त लाइन से गुजरने वाली ट्रेनों का कतरास स्टेशन पर ठहराव की मांग ने पकड़ा जोर। उपायुक्त लाइन से गुजरने वाली यात्री ट्रेनों की ठहराव की मांग को लेकर कतरावासी गोलबंद हो रहे हैं। वनांचल रांची दुमका व कोलकाता अजमेर के बाद यह चौथी ट्रेन धनबाद इंटरसिटी है, जिसका रेलवे ने कतरास में ठहराव नहीं दिया। धनबाद चंद्रपुरा के मध्य कतरासगढ़ स्टेशन है, जहां से ट्रेनों के ठहराव से कतरास के अलावा सैकड़ों गांव के लोगों को ट्रेन से यात्रा में सहूलियत होती है। रेलवे की अनदेखी पर कतरास वासियों में आक्रोश का माहौल है। खबर गोड्डा से। मुंगेर के दो अपराधियों ने दिया था लूटकांड का अंजाम। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के हटिया चौक से समीप वार्ड नंबर 3 मुख्य मार्ग में सोमवार की रात 8 बजे नंद बर्तन दुकान में लूटपाट और गोली के मामले में नगर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। दुकानदार चंदन कुमार के बयान पर नगर थाना लूट के इरादे से फायरिंग कर जख्मी करने के मामले में कांड अंकित कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर लिया है। मामले में दुकानदार ने 30,000 लूट के साथ ही गोली मारकर भाई कुंदन को जख्मी करने की बात कही है। सचिव पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रभावित होगी स्वास्थ्य सेवाएं। IMA ने कहा कि यदि राज्य सरकार स्वास्थ्य सचिव पर कार्रवाई नहीं करती है तो सूबे की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। बीते रविवार को रांची में IMA की बैठक में भाग लेकर लौटी महिला की सचिव डॉक्टर प्रभा रानी प्रसाद ने मंगलवार को यहां बताया कि एक तरफ पूरा देश डॉक्टर के कार्य को लोहा मान रहा है, वहीं अपने ही राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सबसे उच्च अधिकारी अपने ही चिकित्सकों पर अमर्यादित टिप्पणी कर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। 158वीं जयंती पर याद किए गए स्वामी विवेकानंद। जिला मुख्यालय सहित सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती के युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान जगह जगह शिविर आयोजित कर विविध कार्यक्रम हुए, जहां स्वामी विवेकानंद के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। जिला के धर्मोडी ग्राम में न्यू रामकृष्ण मिशन स्कूल में लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम रखा गया था। खबर पाकुड़ से। पाकुड़ में 18 ऊंट लदा ट्रक जब्त, चालक और खलासी हुआ गिरफ्तार। जिले के गोलकपुर वन चेक पोस्ट पर वन विभाग के द्वारा राजस्थान से बंगाल ले जा रहे 18 ऊंट से लदे एक ट्रक को जब्त कर लिया गया है। उसके खलासी और चालक को गिरफ्तार किया गया है। खलासी और चालक पर प्राथमिक दर्ज की गई है, उन्हें थाना क्षेत्र भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार वन विभाग द्वारा वाहन जांच के दौरान राजस्थान से बांग्लादेश ले जा रहे ऊंट से लदे एक ट्रक को जब्त कर लिया गया है। वन विभाग के रेंजर अनिल कुमार सिंह के द्वारा ट्रक चालक और खलासी आवश्यक पूछताछ के बाद कागजात की मांग की गई, लेकिन वह प्रस्तुत नहीं कर पाए। 7 दिन बाद फिर लौटी ठंड, पारा लुढ़का। करीब एक सप्ताह बाद ठंड लौट आई, पसीना छुड़ाने वाला सूरज निस्तेज होने लगा। मंगलवार को पारा 8-9 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। अल सुबह ही कोहरा छा गया। कोहरा इतना घना था कि आसपास के लोग नजर नहीं आ रहे थे। चालकों और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिन के 11 बजे तक ऐसी स्थिति रही कि सर्द हवा चलती रही। दोपहर बाद सूरज ने हाजिरी लगाई, मगर ठिठुरन कम करने में नाकाम रही। यहां धूप की छवि धूमिल हो गई थी। शाम होते ही पूछ की जवानी एहसास होने लगा।
भाजपा ने कहा देश को शक्तिशाली बनाना है, युवा ही देश और संगठन की रीढ़ है, देश का भविष्य आज उन्हीं युवाओं के हाथ में है, देश की युवा स्वामी विवेकानंद को प्रेरणा स्रोत मानकर लक्ष्य हासिल करने का संकल्प ले। ये बातें भाजपा जिला कार्यालय गोलकपुर में मंगलवार को आयोजित हाजिमो के युवा सम्मेलन में पूर्व विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता ने कही। खबर जामताड़ा से, पुलिसिया कार्रवाई के भय से जामताड़ा छोड़ रहे साइबर अपराधी। मिहीजाम थाना क्षेत्र के केवट जाली ग्राम स्थित गांधी आश्रम में मंगलवार को जिला पुलिस की अपराध नियंत्रण गोष्ठी हुई। एसपी दीपक सिन्हा ने कहा कि साइबर अपराध को रोकने के कार्य पर तेजी आई है, साइबर अपराध नियंत्रण में पुलिस का प्रभाव दिखने लगा है, इससे जुड़े तत्व जिला छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। साइबर अपराधियों पर कार्रवाई लगातार जारी है और होती रहेगी। जामताड़ा के साइबर जाल पर रिसर्च करेगा अमेरिका, अपराधियों का होगा ब्रेन मैपिंग। झारखंड के जामताड़ा के साइबर अपराधियों पर विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका रिसर्च करने जा रहा है। एक अनपढ़ आदमी आईटी के इस्तेमाल कर अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जैसे ठग रहा है, इसे लेकर साइबर अपराधियों के ब्रेन मैपिंग करने की योजना अमेरिका ने बनाई है। यूएस ने इसके लिए पहल भी शुरू कर दी है। धनबाद और जामताड़ा के युवक मिलकर करते हैं मोबाइल छीनतई, एक हुआ गिरफ्तार। बिंदा पाथर थाना पुलिस ने छापेमारी कर जामताड़ा थाना क्षेत्र के अमला चातर गांव के पास से मोबाइल छीनतई गिरोह के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार फरीद अंसारी मिहीजाम थाना क्षेत्र के बागजोरी का रहने वाला है। इसके पास से एक अपाची बाइक व चोरी के दो एंड्रॉइड फोन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। खबर साहेबगंज से, राधानगर ने पुलिया के नीचे मिला व्यापारी का शव। तीन पहाड़ थाना क्षेत्र के जोका निवासी 54 वर्षीय मोहम्मद मानू शेख का शव मंगलवार की सुबह राधानगर थाना क्षेत्र के किस्टोपुर फुदकीपुर आरईओ सड़क पर स्थित पुलिया के नीचे बरामद किया गया। सुबह करीब 8 बजे के आसपास सड़क से गुजरने के दौरान कुछ लोगों ने पुलिया के नीचे शव देखा था, पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही राधानगर थाना प्रभारी कुंदन कांत बिमल, पुलिस अवर निरीक्षक मोबिन अंसारी, प्रमोद कुमार सहीन, प्रहलाद पासवान घटनास्थल पर पहुंचे तथा शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन की। खबर देवघर से, सीएसई लूटकांड में बिहार के युवक समेत 5 हुए गिरफ्तार। पचम्बा चौक स्टेट बैंक के सामने स्थित ग्राहक सेवा केंद्र से दिन दहाड़े रिवाल्वर की नोक पर लूट हुई। लूट के मामले में शामिल बिहार के एक समेत 5 आरोपितों को दबोचने में पुलिस कामयाब हुई है। गिरफ्तार आरोपितों में बिहार से नालंदा जिला अंतर्गत नूरसराय थाना क्षेत्र के मनपुरा गाँव निवासी विभास पासवान उप मृगेंद्र पासवान और गिरिडीह के गांडे थाना क्षेत्र के महजोरी गांव निवासी जाबिर उर्फ मोदी, पंचवा थाना क्षेत्र के रजगड़िया गली हटिया रोड निवासी आयुष कुमार फंगेडिया, भेटियागढ़ गांव निवासी मुकेश साह उर्फ चुलबुल तथा पचम्बा शांतिनगर निवासी पिंटू पांडे उर्फ पंकज पांडे शामिल हैं। खुशियां बांटने वाला अद्भुत भिखारी, प्रेरणा स्रोत है उनके स्वामी विवेकानंद। जानिए कौन है वो भिखारी जो रोज बांटता है खुशियां। स्वामी विवेकानंद की जयंती जमुई में 36 वर्षीय सूर्या वत्स ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से काफी प्रेरणा दी है। कोई भूखा ना रहे इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ भीख मांगना शुरू कर दिया है। भीख मांगकर भी दूसरों को कराते हैं भोजन, दिनों के दर्द ने उन्हें दीनबंधु बना दिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।